एक क्या चीज है जो हम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं? जैसा हमने बात किया कि डिसेंसिटाइजेशन फेज में हम आ चुके हैं, क्योंकि हम 2 साल से अपने नेचुरल लाइफ को, अपने यू नो गेट टुगेदर्स को, अपनी आउटसाइड, अपनी जो एक आपकी सोशल सर्कल था वो बिल्कुल कर्ब हो चुका था. सो एवरीबडी हैज जस्ट लेट इट पुट डाउन कि नाउ इट्स हाई टाइम दैट वी शुड स्टेप आउट. हमारे ऑफिसेस खुल चुके हैं, हमारा काम पीक पे चलता है, हमारे पार्टीज, हमारे गेट टुगेदर्स, हमने जो वो 2 साल बिल्कुल एक डिफरेंट लाइफ जी है वो वापस से नॉर्मल आ गई है. सो कहीं ना कहीं हमने कुछ गलत नहीं, बट प्रोबेबली हम जो सब सही कर रहे थे वो थोड़ा कम कर लिया. हेलो एवरीवन, दिस इज विदुषी एंड वेलकम टू द गुड हेल्थ शो. एज कोविड इज राइजिंग रैपिडली, यू मस्ट हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड अबाउट कोविड, एंड फॉर आंसरिंग दैट वी हैव डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा विद अस. Hello ma'am, how are you? Hi, I'm very good. Ma'am, as COVID is rising and people have lots of questions in their mind, तो सबके माइंड में ना एक ही चीज चल रही है कि ये वापस क्यों आ गया. तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि कोविड का नया नाम है क्या, ये जो कोविड का नया वेरिएंट है इसका नाम क्या है? तो ये कोविड का ही एक पुराना ओमिक्रॉन का ही एक नया सब वेरिएंट है, विच इज XBB 1.16. R2 कट इसका शॉर्ट फॉर्म है. सो ये ओमिक्रॉन के ही जो वेरिएंट्स हम पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं उसी का ही एक नया रूप है. एंड इज इट रियली सीरियस? हमें इसको लेकर काफी सीरियस होना चाहिए, लाइक शुड वी वरीड अबाउट इट? सो आई वुड से दैट ये जितने भी वेरिएंट्स अब आ रहे हैं, दे आर वेरिएंट्स ऑफ अलर्टनेस, दे आर वेरिएंट्स ऑफ अटेंशन, डेफिनेटली नॉट द वेरिएंट्स ऑफ पैनिक. सो आपको पैनिक नहीं करना है, बट हाँ, अपने गार्ड्स को भी आप लूज नहीं कर सकते. Your protection, your precautions, your measures should be upward. And is this coronavirus different from COVID-19 and Omicron? Many viruses have already came. So people are so much confused ki ye kaun sa virus hai? Ya fir hum differentiate kaise karenge in viruses ko? So main bolungi COVID practically kabhi gaya hi nahi. So COVID ne over a period of time, jaise hum apne daily dresses badalte hain, kapde badalte hain, aise viruses bhi apne mutations ke through अपने रूप को बदलते हैं ताकि वो और फिट और बेहतर हो सके. सो COVID-19 से हटकर ये डिफरेंट एक वेरिएंट की लीनियजेस है. तो हम इसे प्रैक्टिकली बोले तो एक COVID-2023 वेरिएंट है, जो कि ओमिक्रॉन के ही पुराने XBB 1.5 और अभी 1.16 वेरिएंट्स चलते चले आ रहे हैं, जो कि पिछले 1.5 साल में हमने काफी केसेस देखे. तो हम ये देख सकते हैं कि कोविड कभी खत्म नहीं होगा. इट्स लाइक मलेरिया एंड डेंगू जो आज तक होता आया है और आगे भी होगा. तो इट्स लाइक कोविड इज लाइक सेम. सो जैसे आपके सीजनल वायरसेस के स्ट्रेन्स होते हैं, जब भी आपको सर्दी खांसी होता है या आप जब भी सीजन में चेंज करते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि आपको कॉमन कोल्ड हो गया या आपको फ्लू हो गया है. सो इवेंचुअली वी शुड स्टार्ट लिविंग विद दिस कोविड एज अ सीजनल स्ट्रेन. ओके, जस्ट लाइक दैट, लाइक जस्ट लाइक डेंगू एंड एवरीथिंग. एब्सोल्युटली. और जो ये नया वेरिएंट आया है, इसके सिम्टम्स पहले की तरह है या फिर कुछ डिफरेंट है? लाइक व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस कोविड, दिस न्यू वेरिएंट? सो जैसा मैंने आपको बताया कि कोविड वायरस ने अपने आप को बदला है अपने को फिट करने के लिए, तो इसका एक पॉइंट ये है कि इस स्ट्रेन से नंबर ऑफ लोग इन्फेक्टेड ज्यादा हो रहे हैं, बट एट द प्लस पॉइंट ऑफ कि इसमें सिवियरिटी काफी कम है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट हमारा काफी कम है. सो सिम्टम्स अगर देखा जाए तो अमूमन जैसे भी नॉर्मल कोल्ड, कफ और फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, इस कोविड के अंदर भी वही सारे सिम्टम्स हैं, बट द रिस्कीनेस, द सिवियरिटी इज मच मच लेस एज कम्पेयर टू द डेल्टा वेव ऑफ कोविड. ओके, जो 2019-20 हुआ था, कुछ ज्यादा ही सीरियसनेस के साथ उसको डील किया था, बट दिस इज सीरियस एज वेल, बट पहले से थोड़ा कम हम इसको वो कर सकते हैं. जी बिल्कुल, बिकॉज जैसा कि हमने बताया कि अगर ये एक वायरस एक साथ में बैठे, पहले हम बोलते थे कि 1 पर्सन से 10 पर्सन इन्फेक्ट हो सकते हैं, करंट वेरिएंट में वी कैन से 1 can infect 16 others. सो द नंबर ऑफ इन्फेक्टिविटी इंक्रीजेस. सो ऑब्वियसली जितना, क्योंकि हम अगर बोले कि हमारा जो सिवेरिटी मात्रा है वो 1% या 0.5% ऑफ पॉपुलेशन की है, तो जैसे जैसे आपका नीचे का डिनोमिनेटर लोग बढ़ते जाएंगे इन्फेक्शन के, ऑटोमेटिकली वो परसेंटेज ऑफ रिस्कीनेस बढ़ेगी. बट हमें घबराना नहीं है, क्योंकि अभी तक भी जितने केसेस आए हैं, एवरीडे 7000 प्लस केसेस आर बीइंग रिपोर्टेड, तो हॉस्पिटलाइजेशन रेट लेस देन 1% अभी भी है. बट आपको अपने गार्ड्स को, अपनी प्रोटेक्शन मेजर्स को अपफ्रंट रखना है. अच्छा, व्हाट प्रिकॉशंस लाइक शुड वी टेक?
जैसे पहले था कि हमें बार बार बोला गया कि आपको हैंड वॉश करना है रिपीटेडली एंड आपको मास्क हमेशा लगाकर रखना है और सैनिटाइजर्स का अगेन एंड अगेन यूज करना है, तो इस कोविड में जो ये नया वेरिएंट है, इस कोविड में भी क्या हमें सेम प्रिकॉशंस लेने हैं या फिर हम कुछ और भी हमें उसमें एडॉप्ट करना है या फिर मतलब लाइक दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू डू दीज ऑल थिंग्स? सो आई विल से कि विद 2019 के कोविड से हमारे लिए कि नया लाइफस्टाइल ही हो गया. सो कैब एंड जैब टू वेज आई कैन डिस्क्राइब दिस. सो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अब वो कोविड कहीं का भी कोविड हो, एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से अपने आप को बिल्कुल ही स्ट्रेन कर लें, बट आपको पता है कि अगर हम पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं तो हमें अपना प्रोटेक्शन ऑन रखना है. हैंड हाइजीन, आपका प्रॉपर डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग हम जिसे कहते हैं, उस चीज को जितना पॉसिबल हो आप मेंटेन करके रख सकते हैं. अगेन स्पेसिफिकली जिक्र करूंगी मैं पब्लिक प्लेसेस में, तो अब जैसे कोविड के केसेस सडनली राइज हुए हैं तो दिस इज अ हाई टाइम दैट वी शुड रीस्टार्ट रीअडॉप्ट द मास्क स्ट्रेटजी, ऑल्सो द हैंड सैनिटाइजेशन विज हैंड वॉश स्ट्रेटजी, और आप अपने आप को जितना फिजिकली डिस्टेंस करें. मैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बोलती बिकॉज ऑलवेज यू शुड कनेक्ट सोशली, बट यस फिजिकल डिस्टेंसिंग जितना पॉसिबल हो वो आप करें. व्हेन वी टॉक अबाउट मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजर्स, तो पहले ना हर जगह ये चीजें गाइडलाइंस में मेंशन होती थी, बट अभी अगर देखते हैं तो ये ज्यादा इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है. तो इसका रीजन ये तो नहीं है कि अभी लग रहा है कि लोग ऑलरेडी एडुकेट हो गए हैं इस चीज को लेकर, या फिर अभी इस चीज को लेकर ज्यादा हम फोकस नहीं हो पा रहे हैं? तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ अ डिसेंसिटाइजेशन. लोग सुपर सेंसिटाइज हो गए, एक डिसेंसिटाइजेशन फेज में हो गए कि हम 2 साल से एक चीज करे जा रहे हैं, कब तक करेंगे, एंड दैट्स अ वेरी ह्यूमन टेंडेंसी. सो द पॉइंट इज कि जब जब आपके ऊपर कोई एक बग हमला करता है तो आपको उससे 10 टाइम ज्यादा स्मार्ट होके उसको अटैक करने की बहुत जरूरत है. तो इट्स नॉट लाइक कि आप 24/7 या जैसे पहले लॉकडाउन हुआ था और मैंडेट हुआ था, तब की घड़ी डिफरेंट थी, तब के आंकड़े बहुत डिफरेंट थे, बट दिस इज अ अलर्ट टाइम कि अगर अभी से इंडिविजुअल और पब्लिक लेवल पे अगर हम ये छोटी चीजें वापस से अडॉप्ट कर लें तो प्रोबेबली वी शुड नॉट लैंड अप इनटू द सिचुएशन एज द प्रीवियस. एंड लाइक जिस तरीके से हम पहले होम रेमेडीज यूज कर रहे थे टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी, तो क्या उन्हीं सेम होम रेमेडीज को हम यूज कर सकते हैं या फिर और भी कुछ हमें एडॉप्ट करना है, लाइक शुड वी यूज देम अगेन? सो एक्चुअली होम रेमेडीज आर ऑलवेज गुड. सो आप कोविड की बात करते हैं, हम फ्लू वायरसेस हो वायरल हो, ये तीनों मैं बोलूंगी एक ही फॉर्मुलेशन के डिफरेंट चीजें हैं. सो किसी के लिए भी आपकी नेचुरल इम्यूनिटी हर बार अच्छी रह सकती है. हमारे को इस टाइम पे सबसे ज्यादा स्मार्ट किया है नेचुरल इम्यूनिटी के अलावा कोविड की वैक्सीन ने. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि जिन्होंने भी अपने वैक्सीन के डोजेस और बूस्टर्स नहीं लिए हैं, इट इज हाई टाइम दैट यू शुड टेक द कोविड वैक्सीनेशन टू फर्दर एड अप योर इम्यूनिटी अगेंस्ट द कोविड. इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि देयर आर मेनी मिसकंसेप्शंस अबाउट कोविड वैक्सीन, क्योंकि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, उनको इम्यूनिटी में इश्यूज आए हैं और साथ ही सबको ना मतलब कुछ कुछ ही कंफ्यूजन रही है कि शायद अभी उनको जो फीवर एकदम से हो जाता है वो वैक्सीन की वजह से हुआ है, एंड इनफैक्ट डेथ्स भी हुई है वैक्सीन की वजह से. तो इस बारे में थोड़ा सा लाइक मैं चाहूंगी कि थोड़ा लाइट इस पर आप डालो कि क्या है ये, क्यों प्रॉब्लम हो रही है. As you have already pointed out, it is actually a myth. तो पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को कि कोविड वैक्सीन के अलावा दुनिया की किसी भी वैक्सीन में इट्स लाइक अ वायरस गोइंग इनसाइड एंड इन क्रिएटिंग अ नॉर्मल इम्यूनिटी. तो किसी भी वैक्सीन से आपको छोटे मोटे बुखार और उस साइड पे हल्का फुल्का रेडनेस और रिएक्शन हो सकती है. दूसरी बात आती है कि वैक्सीन से जुड़े हुए ये क्वेश्चंस कि इससे प्लेटलेट कम होते हैं या हार्ट के रिस्क या स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है, तो ये 1 in 10,000 या 1 in 1 lakh का आंकड़ा है. बट उसकी वजह से कोविड के परसे में स्ट्रोक का, हार्ट रिस्क का और प्लेटलेट्स का जो प्रॉब्लम्स हैं वो 30-45% तक है. तो उतने स्टैटिस्टिक्स को प्रूव करने के लिए अगर हम 1 in 1 lakh में अगर कोई इंसिडेंस है और वो भी देखा उनमें गया जिनमें पहले से ही कोई किसी चीज के इश्यूज थे या ट्रबल्स थे, तो इतने छोटे पॉइंट पे आप अपने आप को एंटी वैक्सर कम्युनिटी का हिस्सा ना मनाएं. आपको वैक्सीनेट होना जरूरी है क्योंकि कोविड आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है आपका मास्क और सैनिटाइजेशन, लेकिन आपके इन्फेक्शन से लेकर आपका हॉस्पिटल में आना या आपकी सिवियरिटी को कम करने का जो आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा रिड्यूस करती है आपकी वैक्सीन.
अच्छा, काफी सारे लोगों का ना ये क्वेश्चन आता है हमारे पास कि अगर हम होम रेमेडीज यूज कर रहे हैं और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं, सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं, मास्क यूज कर रहे हैं और दवाइयां खा रहे हैं ऑलरेडी अपना ख्याल रखने के लिए, तो शायद हमें वैक्सीन की जरूरत नहीं है, तो इज इट राइट और नॉट? सो मैं आपको ये बताऊंगी कि कोविड वैक्सीन, कोविड इन्फेक्शन और कोविड इन्फेक्शन की वजह से सीवियर कोविड निमोनिया, ये तीन अलग चीजें हैं। कोविड का इन्फेक्शन जो होता है वो आपके नेचुरल कैप, जैसे हमने वर्ड किया था कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें आपकी नेचुरल डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, आपका मास्क और सैनिटाइजर विद डिस्टेंसिंग ब्यूटिफुली वर्क। कोविड इन्फेक्शन से लेकर कोविड के बड़े निमोनिया का या डिजीज तक का जो सफर है वो 80-85% तक रिड्यूस हो जाता है वैक्सीन के बदौलत। तो ये उसकी सिवियरिटी को काफी हद तक कम कर सकता है कि जो इंसान पहले हर कोविड के इन्फेक्शन के अंदर हॉस्पिटल में लैंड कर जाता था विद द ऑक्सीजन, आज वही हॉस्पिटल को हम लेस देन 1% का बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड वैक्सीन। ओके, तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम होम रेमेडीज ले रहे हैं तो वो भी अच्छा है, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर्स, मास्क ये सब यूज कर रहे हैं तो ये भी हमारी इम्यूनिटी में ऐड हो रहा है और ये हमारा लाइफस्टाइल अब बन जाना चाहिए। कोविड एंटी कोविड प्रोटेक्टिव चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। सो एक तरफ होती है जेनरिक इम्यूनिटी कि मैं किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ अगर मैं स्वस्थ रहूं, अच्छा खाना, अच्छा पीऊं और अपने आप को नॉर्मल, क्योंकि हम अगर बात कर रहे हैं सैनिटाइजर और मास्क की तो ये न केवल कोविड के अगेंस्ट बट और भी बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो एयरबॉर्न के थ्रू हमें मिलते हैं। जैसे कि इस सीजन में हमने H3N2 देखा, हमने नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन देखे और प्लस कोविड देखा, तो ये सारे टैक्टिक सबके लिए हैं। स्पेसिफिक कोविड की एंटीबॉडी आपको कोविड की सिवियरिटी से, कोविड से होने वाली डेथ, कॉम्प्लिकेशन और रिस्क से काफी बचाएगी। ओके, लेकिन जिस तरीके से अभी ये कोविड केसेस राइज हो रहे हैं तो हमको लाइक मेनली अभी किस चीज पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि कुछ तो हम गलत कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में कि जिससे अभी जो केसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और रैपिडली हो रहे हैं। आज भी मतलब मैंने चेक किया कि दिल्ली में भी काफी इंक्रीज ये हुआ है, तो एक क्या चीज है जो हम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं? जैसा हमने बात किया कि डिसेंसिटाइजेशन फेज में हम आ चुके हैं, क्योंकि हम 2 साल से अपने नेचुरल लाइफ को, अपने यू नो गेट टुगेदर्स को, अपनी आउटसाइड, अपनी जो एक आपकी सोशल सर्कल था वो बिल्कुल कर्ब हो चुका था। सो एवरीबडी हैज जस्ट लेट इट पुट डाउन कि नाउ इट्स हाई टाइम दैट वी शुड स्टेप आउट। हमारे ऑफिसेस खुल चुके हैं, हमारा काम पीक पे चलता है, हमारे पार्टीज, हमारे गेट टुगेदर्स, हमने जो वो 2 साल बिल्कुल एक डिफरेंट लाइफ जी है वो वापस से नॉर्मल आ गई है। सो कहीं ना कहीं हमने कुछ गलत नहीं बट प्रोबेबली हम जो सब सही कर रहे थे वो थोड़ा कम कर दिया है। So that threshold really needs to be up front. Okay, तो हम ये कहेंगे कि हमने बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया। Exactly. पहले जब वो नई नई चीज आई हमारे सामने तो हम बहुत ज्यादा डर गए, हम बहुत सीरियस हो गए और हमने ख्याल रखा उन चीजों का, लेकिन धीरे धीरे जब वो ड्रॉप होनी स्टार्ट हुई तो हमने भी उस चीज को सीरियस लेना बंद कर दिया। तो वी शुड नॉट डू दैट, हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। So we need to be more attentive and alert rather than being a panic in this new variant. Okay. Can you explain the concept of herd immunity? एंड ये जो अभी कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है इसमें इसका क्या लेना देना है, या फिर कह सकते हैं कि इसमें क्या इसका रोल है? सो हर्ड इम्यूनिटी, यूजुअली द नाम हर्ड इज अ बेसिकली एन इंग्लिश टर्म कि अगर किसी एक्स को इन्फेक्ट हुआ, एक्स से वाई, वाई से जेड, तो ये जो होता है ना एक पूल बनता चला जाता है। तो ये यूजुअली स्टूल्स के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू एंड आपका एक नेचुरल तरीके से पेट के फ्लोरा को भी चेंज करके उसको इम्यूनिटी करता है। तो ऐसा माना जाता है साइंटिफिकली कि अगर 75% से भी ज्यादा लोग एक एरिया में इन्फेक्टेड थे या रहे हैं किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन से, तो वहां की 90-95% जनता आपकी प्रोटेक्टेड हो जाती है उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से। सो सेम कॉन्सेप्ट लागू हुआ हर्ड इम्यूनिटी का कोविड में। देखा गया कि हमारी जब हर्ड इम्यूनिटी, बिकॉज देर वॉज अ पॉइंट कि प्रैक्टिकली हर घर में एक कोविड पीड़ित व्यक्ति या इंसान थे, तो उस टाइम पे ऐसा था कि मोर देन 75% जनता नेचुरली फॉर्म में इन्फेक्ट हो रखी थी या वैक्सीन के थ्रू उसको ऑलरेडी इम्यूनिटी मिल गई थी। तो इसका सबसे अच्छा मिला जुला असर ये मिला कि न केवल आपके ओवरऑल कोविड इन्फेक्शन का स्तर बहुत नीचे गिरा बट ऑल्सो जो सिवियरिटी का पार्ट था, जब हम बात करते हैं जैसे वैक्सीन की, विच इज अ काइंड ऑफ एन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी गिव यू अ नेचुरल इम्यूनिटी अगेंस्ट द कोविड। अच्छा, ये जो कोरोना है, अभी जो नया वेरिएंट आया है और इस बीच में काफी वेरिएंट्स ऑलरेडी आ भी चुके हैं, तो क्या ये वाला जो वेरिएंट, बिकॉज इस वेरिएंट के आने से काफी राइज हुआ है एकदम से कोविड केसेस में, तो क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है फ्यूचर की फिर से लॉकडाउन लग जाए, मतलब इस लेवल की?
बिल्कुल इट कैन बी बिकॉज इट इज प्रिडिक्टेबल लाइक वी सेड कि हर कोविड वायरस के बढ़ते हुए वेरिएंट के साथ में इन्फेक्टिविटी का जो रेट है वो बढ़ रहा है तो हमारे पास डेली की डेली वी आर सीइंग 7,000 to 8,000 का सर्ज तो अगर हम अपने अभी से ही हमने अपने ट्रैवल्स अपने पब्लिक चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए या फिर हमने अपने वापस से अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स रीस्टार्ट नहीं किए तो प्रोबेबली देर कैन बी अ सिचुएशन विच कैन लीड टू अ सिमिलर लाइक अ लॉकडाउन एज प्रीवियस ओके एंड जो कोविड है वो किस एज ग्रुप को सबसे ज्यादा हो रहा है लाइक पहले ये था कि बच्चों को और जो हमारे सीनियर सिटीजन थे उनको ये सबसे ज्यादा पकड़ रहा था सो नाउ अ डेज लाइक कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जिसको वो जल्दी से ऐसे कैच कर रहा है सो ऑनेस्टली कोविड इज वन वायरस व्हिच आई से हैज नो बायस फॉर द एज सो एक्चुअली इट इज अफेक्टिंग ऑल द पीपल बट लाइक वी हैव सेड कि क्योंकि यंग लोग जो हैं स्पेशली द ग्रुप ऑफ यू नो यंग अडल्ट्स एंड द एल्डरली पीपल द अडल्ट पीपल अप टू 50 वो लोग काम पे जाते हैं वो लोग ज्यादा सोशली इन्वॉल्व होते हैं एंड क्योंकि जैसा ये माइल्ड है ये एक साथ बैठ के कमरे में चाय पीने से भी वो 15 मिनट का एक्सपोजर भी आपको कोविड करा सकता है तो ये एज ग्रुप जो है ये काफी अफेक्ट होता है बिकॉज दे आर द वंस हु आर स्टेपिंग आउट एंड गेटिंग एक्सपोज्ड इवेंचुअली क्या होता है कि वो लोग घर आके अपने पेरेंट्स से मिलते हैं अपने चिल्ड्रन से मिलते हैं तो वो खुद ही कैरियर की तरह प्रेजेंट करते हैं बच्चों में भी हमने कोविड देख रहे हैं लेकिन सिवियरिटी इज वेरी वेरी लेस बट यस द अडल्ट एंड एल्डरली आर स्टिल द एज ग्रुप्स व्हिच आर मेजरली अफेक्टेड ओके तो कह सकते हैं कि जो यंगर एज है उसको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेप आउट करते हैं एंड सेकेंडली अगर वो घर पर आ भी रहे हैं पार्टीज के बाद या फिर कहीं बाहर सोशल होकर तो हैंड वॉश करना सैनिटाइज करना मास्क ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओके जैसा आपने बोला अभी कि ट्रैवल का भी ध्यान रखना चाहिए थोड़ा कम कर देना चाहिए बट कुछ का काम ही ऐसा होता है कि उनको ट्रैवल करना पड़ता है या फिर अभी क्योंकि लोग इतना सीरियस नहीं हो रहे हैं कोविड को लेकर अगेन तो वो अभी ट्रैवलिंग में अभी ट्रैवलिंग कर ही रहे हैं तो व्हाट प्रिकॉशंस आई वुड से कि वी शुड टेक लाइक इफ वी आर ट्रैवलिंग सो आई वुड से कि पहली बात तो जहां हमारा है अनअसेंशियल और इजीली अवॉइडेबल इन दो शब्दों का मैं यूज करूंगी बिकॉज अगर आपका ट्रैवल या ट्रिप या कोई भी जो आइटनरी है वो अनअवॉइडेबल है तब तो ऑब्वियसली देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट बट अगर आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हो जहां पे आपको पता है कि देयर विल बी अ ह्यूज पब्लिक गैदरिंग या बहुत ज्यादा पब्लिक एक्सपोजर है और अगर आपके लिए वो बहुत अर्जेंटली जरूरत नहीं है फर्स्ट प्रेफरली अवॉइड करें सेकेंड इज मोस्ट ऑफ द पीपल अगर आप ट्रैवल कम्यूट कर रहे हैं थ्रू फ्लाइट्स और थ्रू ट्रेन्स और व्हाटएवर तो एटलीस्ट रेलवे स्टेशंस या एयरपोर्ट्स जहां पे आपको पता है देयर आर लॉट ऑफ पीपल सिटिंग इन अ क्यू एंड वेटिंग देयर प्रेफरेबली यूज योर मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर्स ताकि उस पर्टिकुलर टाइम पे बिकॉज मैक्सिमम आपका जो एक्सपोजर्स होते हैं वो इन्हीं एरियाज में ज्यादा होते हैं या आप मॉल मार्केट गए मॉल्स गए आप संडे अपनी फैमिली के साथ तो ट्राई एज मच एज पॉसिबल आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन एज मच एज पॉसिबल कि इन बिहेवियर्स को इनकॉर्पोरेट ही अपने लाइफस्टाइल में करें ओके एक चीज अभी मेरे ये माइंड में आई है कि क्वेश्चन कि मान लीजिए कि अभी मुझे कोविड नहीं हुआ था कोविड 19 में जब स्टार्ट हुआ था तो तब मुझे कोविड नहीं हुआ था और अगर अभी मुझे कोविड हो जाता है आई विश ना हो बट अगर मुझे हो जाता है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा कोविड मुझे हुआ है बिकॉज सिम्टम्स आर ऑलमोस्ट सेम तो ऐसा भी हो सकता है कि लाइक अभी जो नया कोविड चल रहा है वही मुझे हुआ हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पुराने वाला ओमिक्रॉन मुझे हुआ है या फिर कोई और मुझे हुआ है तो इसमें मतलब कैसे मुझे पता लगेगा देखो सो कोविड के जो 99% स्ट्रेन हैं जो अभी सर्कुलेटिंग है वो सब ओमिक्रॉन है 99% सिम्टम्स वाइज एज आपने बोला कि सारे सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं चाहे वो फ्लू हो चाहे वो वायरस हो चाहे वो कोविड हो वही खांसी जुकाम कोल्ड कफ एंड बॉडी एक्स होना एंड वीकनेस होना दे आर द कॉमन सिम्टम्स सो सबसे पहले जब हम आपका कोविड आरटीपीसीआर टेस्टिंग कराते हैं सो वी विल बी एबल टू नो कि वेदर इट्स अ ओमिक्रॉन वेरिएंट और 1% पुराना डेल्टा अगेन उसके चांसेस बहुत कम है सो मेजरली इट विल बी एन ओमिक्रॉन वेरिएंट फर्दर बेस्ड ऑन कि कौन सा न्यूली स्पेसिफिक वेरिएंट है वी हैव अ फर्दर टेस्ट जो कि हमारे कुछ सेंट्रल लैब्स रिसर्च लैब्स में होते हैं प्रैक्टिकली मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट न्यू वेरिएंट हैज नो मच चेंज इन द मैनेजमेंट अभी भी वो सेम है कि अगर आपको माइल्ड प्रॉब्लम्स हैं आपको स्मॉल सिम्टम्स हैं तो अलग से आपको कुछ नहीं करना अपना नॉर्मल सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेके जैसे कि स्टीम गरारे बेसिक आपको अगर बुखार हो रहा है तो बुखार की गोली मल्टीविटामिन अपना रेस्ट करें तो ये कोविड का मेजरली आपका ट्रीटमेंट चार्ट है तो दैट वोंट बी अफेक्टेड बाय विच पर्टिकुलर वेरियंट यू आर अफेक्टेड बट फॉर दी पब्लिक हेल्थ डोमेन्स एंड एवरीथिंग
वी डू हैव अ टेस्टिंग व्हिच विल डिलिनिएट फर्दर कि कौन सा पर्टिकुलर वेरिएंट से आप अफेक्टेड हो. ओके. एंड अभी मैंने देखा है कि जो फैमिलीज हैं अभी वो कोविड को लेकर डर चुके हैं. अगर मदर्स होती हैं या फिर पापा भी, वो ये सोचते हैं कि अगर हल्का फुल्का बुखार हो रहा है तो दवाई ले लेते हैं ठीक हो जाएंगे, या फिर काढ़ा पी लेते हैं ठीक हो जाएंगे. तो आप उनको कोई एडवाइस देना चाहोगे, सजेशन देना चाहोगे? एंड इवन आई वॉन्ट टू आस्क यू कि अगर थोड़ा सा अगर हमको लग रहा है कि सिम्टम्स हैं कि खांसी हो रही है और फीवर लग रहा है, कोल्ड हो गया है, तो हमें एकदम से कंसल्ट कर लेना चाहिए डॉक्टर को, या फिर हम ये सब मतलब होम रेमेडीज से भी हम ठीक हो सकते हैं? सो आई विल से 2-3 थिंग्स फॉर दिस. वन इज रिक्वेस्ट नॉट टू सेल्फ मेडिकेट. अपने आप से डोलो को या एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन या विटामिन सी, जो हमने वो कुछ वर्ड्स ध्यान रख लिए हैं, सेल्फ मेडिकेट ना करें. बिकॉज हर इंसान बहुत डिफरेंट होता है, सबकी बॉडी कैपेसिटी और सबका बॉडी को अडॉप्ट करने का पर्टिकुलर इन्फेक्शन का तरीका बहुत डिफरेंट है. सेकेंड चीज ये है कि अगर आपको सिम्टम्स हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को क्वारंटीन कर लीजिए. बिकॉज आप उस घर में रह रहे होंगे जहाँ पे प्रोबेबली बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, आपसे कम इम्यूनिटी वाले कई लोग होंगे या छोटे बच्चे होंगे, तो उनको आप वो इन्फेक्शन ना फैलाएं. तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हो, प्लीज क्वारंटीन योर सेल्फ, अपना टेस्ट कराएं, ना केवल आपके लिए बट बाकी लोगों के लिए. इफ यू आर पॉजिटिव देन यू विल बी आइसोलेटेड. ऑल सपोर्टिव मेडिकेशन, जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, आप अपने एक्सपर्ट की सलाह से उसका स्पेसिफिक इलाज करें, प्रॉपर आइसोलेशन के साथ विद प्रॉपर रेस्ट कोविड को हैंडल करें. ओके, सो लाइक स्टिल आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन इज इंपॉर्टेंट. एब्सोल्यूट. 7-14 डेज? नो. सो नाउअडेज फॉर ऑल द माइल्ड केसेस मैक्सिमम 5-7 डेज आइसोलेशन इज गुड एनफ. 5-7 डेज एनफ. ओके. And now I would like to conclude this session, and it was great. Also, I want to know if there is any tips or suggestion you would like to give to our viewers. So I would just like to say ki please apna dhyan rakho apne public places pe. The word I've been using throughout the session is cab and jab. So COVID appropriate behavior, jab means your vaccine. In dono se apne aap ko protect rakhiye, apne guards ko let loose nahi kijiye. ये कोविड वेरिएंट्स आते हैं, बट इफ दे आर स्मार्टर वी हैव टू बी 10 टाइम्स स्मार्टर. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर जॉइनिंग अस एंड रेजिंग अवेयरनेस अमंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ द गुड हेल्थ शो. आई होप पीपल विल बी मोर अवेयर ऑफ कोविड नाउ, एंड थैंक यू सो मच. होप टू सी यू सून.